कश्मीर में कब तक पत्थर कांड। वाकई जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसके ऊपर जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था कुछ समय पहले, जब एक सैनिक की बॉडी को इवैक्यूएट नहीं करने दिया गया था, यानी उठाने नहीं दिया गया था। क्या कहा था उन्होंने कि बंद करें नहीं तो हमें कार्रवाई करना आता है, और वो कार्रवाई अब होनी चाहिए, समय निकल चुका है, कार्रवाई अब होनी चाहिए। और अब वो विश्लेषण, गद्दार पत्थरबाजों का विश्लेषण सुनिए। सुरक्षा कर्मी आतंकियों से लड़े या घर के गद्दारों से भिड़े, एक तरफ आतंकवादियों से एनकाउंटर चल रहा है और दूसरी तरफ जो सुरक्षा बल मार रहे हैं, जो पिटाई कर रहे हैं इन आतंकवादियों की, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सेना पर पत्थरबाजी के जरिए आतंकवादियों की, आतंकियों की घनघोर मदद हो रही है। 2015 के मुकाबले 2016 में 3 गुना ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। पिछले साल पत्थरबाजी में आप शॉक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे सुन के यह आंकड़ा। पिछले साल पत्थरबाजी में 3550 सुरक्षाकर्मी और 2309 आम नागरिक घायल हो गए। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 5 महीने सुलगा था कश्मीर, और तब भी पत्थरबाजी की शिकायत आई थी। तब सवाल उठ रहा था बैलेट गन क्यों नहीं लाई जाती, क्यों नहीं ये कुछ होता। लेकिन उसके बाद अब नतीजा देखिए, आज सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और कुछ गद्दार पत्थरबाज उस ऑपरेशन में, उस एनकाउंटर में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं और आतंकियों की मदद कर रहे हैं। मेरे साथ इस पैनल में शाहनवाज हुसैन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर नेता। मीम अफजल साहब है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। शबनम लोन है, वरिष्ठ वकील। इंजीनियर राशिद है, निर्दलीय एमएलए जम्मू और कश्मीर के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। और सुशील पंडित है, को फाउंडर रूट्स इन कश्मीर के। मैं पहला सवाल शबनम लोन आपसे पूछता हूं, बहुत सीधा, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। शबनम लोन, सेना आतंकी से लड़ रही थी और कुछ लोग सेना का रास्ता रोक रहे थे, यानी डायरेक्टली आतंकवादियों की मदद कर रहे थे, क्या वो गद्दार है? मुझे आप 10 सेकंड में बताइए, क्या वो लोग जो पत्थरबाजी कर रहे थे और भारतीय सेना को रोक रहे थे, क्या वो गद्दार है? बताइए। अमित जी, आपकी इजाजत से मैं ये कहूं, कुछ हमारी बदनसीबी, कुछ आपकी बदनसीबी, हमारे नौजवान और हमारी सेना एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखिए अमीश, आपको समझना पड़ेगा कि 25-26 साल पहले जब से ये, सुनिए, गदार तो हुकूमत में भरे पड़े हैं, जिन्होंने इन बच्चों को उकसाया, जिन्होंने झूठे वादे किए, जो मिलिटेंटों से मिले हुए थे और आज खुद मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। गद्दार तो वो लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों को इस पे उकसाया। आप उस मसले को क्यों नहीं देखते? ये एक सही बात है और मैं आपको सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, और मेरी बात सुन ले अमीश, क्योंकि वहां पे हालात बहुत खराब हैं। आपके लिए बहुत आसान होता है हर बच्चे को गद्दार कहना। ये पत्थर आर्मी पे नहीं बरस रहे हैं वो लोग, ये पत्थर उन गद्दार पॉलिटिशियंस पे बरसाए जा रहे हैं जिन्होंने हर तरह से लोगों के भरोसे को तोड़ दिया है। कभी उनको कोई नेता पर छूने वाली आजादी बताए? ये हमारे सैनिकों पे पत्थरबाजी हुई है, आई ऑब्जेक्ट टू इट। आप कह रही हैं ये किसी सैनिक पे पत्थरबाजी नहीं है, ये नेताओं पे पत्थरबाजी है। उन लोगों को आप गद्दार नहीं कह रही, जो नेता उनको आप गद्दार कह सकती है। आप नेताओं को गद्दार कहिए, नेताओं को कुछ भी कहिए, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन आप जिन लोगों ने पत्थर बरसाए हैं उनको गद्दार कहिए इस डिबेट के अंदर। जिसने मेरे सैनिक पे पत्थर बरसाए हैं, जिसने मेरे देश के प्रहरी पे पत्थर बरसाए हैं, वो गद्दार है और वो गद्दार रहेगा, वो गद्दार है और गद्दार रहेगा। आप लोगों के बचाने के कारण इतना मामला बढ़ गया। शबनम लोन, उनसे पूछिए कि वो आर्मी के खिलाफ बदनसीबी जिस मुल्क की, जिस मुल्क के अंदर ये गद्दार रहते हैं, लोगों को आर्मी के खिलाफ उकसाया है। ओके, सुशील पंडित, क्या नेता गद्दार है? सिस्टम गद्दार है, लेकिन वो मासूम लोग गद्दार नहीं है, वो सो कॉल्ड मासूम लोग जो पत्थर बरसा रहे हैं। सुशील पंडित, रिएक्ट टू इट। सुशील पंडित, शबनम जी, आप एक बात बताइए, इन लड़कों की पैरवी करते हुए, इनकी गद्दारी को गद्दारी ना कहते हुए, आप क्या इनको प्रोत्साहन नहीं दे रही हैं?
क्या आपको इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए? क्या आपको ये साफ साफ दो टूक नहीं बोलना चाहिए? इनको मिला क्या है? इनको इन लड़कों के पास है क्या? इनका हक छीना गया है। क्या हक छीना गया है? वहाँ पर इनकी बदनसीबी को अपने लिए ये तो इसलिए ये पत्थर मारे, इसलिए ये सेना पर पत्थर मारे। अब्दुल्ला और मुफ्ती से पूछिए उन्होंने कश्मीरियों के लिए क्या किया। मेरा हिंदुस्तान, आप इस बात को घुमाइए मत। इतनी शबनम जी, आप इस बात को घुमा रही हैं। क्या दिया आप इस बात को पॉलिटिक्स में, राजनीति में घुमा रही हैं? मैं घुमा नहीं रही हूं, बिल्कुल आप घुमा रही हैं। सेना अध्यक्ष ने साफ साफ चेतावनी दी थी। मैं सही कह रही हूं, कश्मीर इस वक्त, सुनिए, अक्षरधाम टेंपल का जो टेररिस्ट था वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के क्लोजेस्ट एसोसिएट के घर से पकड़ा गया था। मेरा सवाल आईबी और राव वालों से है, वो टेररिस्ट कहाँ है? इस मुल्क ने हवाला ऑपरेटर्स भी पकड़े हैं, इसको छोड़ा था, किधर है वो टेररिस्ट? इस मुल्क ने कश्मीर के हवाला ऑपरेटर्स को भी पकड़ा है। इसी मुल्क ने कश्मीर में और बहुत सी बातों को पकड़ा है। जी हाँ जी, तो दिक्कत ये है कि हम आज एक मॉरल पोजीशन ना लें। समझ आज हम ना? एक साफ साफ मुफ्ती साहब ने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया, तो अमीश देवगन से पूछे क्या इसने, अमीश देवगन ने क्या पीडीपी से कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान का शुक्रिया? बहुत क्लियरली एक बात को आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कुछ लोग भारतीय सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे हैं तब जब वो आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं? क्या आप उनको गद्दार नहीं मानती और क्यों नहीं मानती? और आप इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी लेके आएंगी जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, आप इसके अंदर नेताओं को भी गद्दार कहेंगी, लेकिन क्या मजबूरी है शबनम लोन की कि उनको गद्दार नहीं लगता वो पत्थरबाज जो मेरे सैनिक पे पत्थर मारता है? ये क्या मजबूरी है आपकी? मैं शाहनवाज हुसैन आपका अब रुख करता हूं। पूछा कि आप आर्मी के खिलाफ क्यों रोज ब्लैक कार्ड लेके जाती थी? ओके शाहनवाज हुसैन, सारा ब्लेम आपकी सरकार के ऊपर है, सारा ब्लेम आपकी सरकार के ऊपर है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, क्यों ये पत्थरबाजी नहीं रुक रही? और क्या मुफ्ती सरकार यानी बीजेपी और पीडीपी के अलायंस वाली सरकार इन चीजों को काबू नहीं कर पा रही? और क्या केंद्र में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार इस पे काबू नहीं कर पा रही? क्यों ना इसको आपकी बड़ी खामी और कमी माना जाए? बताइए क्यों हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर बरस रहे हैं और वो पत्थर बरसाने वाले जस के तस है, वहीं के वहीं खड़े हैं? मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं शाहनवाज हुसैन, रिस्पॉन्ड टू इट। देखिए, एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान में रची गई है, कश्मीर के कुछ नेता उसमें साथ दे रहे हैं और वो उकसा रहे हैं उन पत्थरबाजों को। तो आज आतंकी से लड़ना है, लेकिन अगर आतंकी के लिए ढाल जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हैं क्या ये पत्थर फेंकने वाले? अगर ये ढाल बनेंगे, ये आएंगे, ये आकर आर्मी का रास्ता रोकेंगे, आतंकियों की मदद करेंगे, तो ये पूरी तरह आतंकियों की मदद है, क्योंकि अभी जो पत्थरबाजी हुई है वो एक पर तरह से सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है के लिए हुई है। गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, डिफेंस मिनिस्टर आपके, आर्मी चीफ सूबे में मुख्यमंत्री आपके गठबंधन के साथ बनी हुई है, आपकी सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? उसी पे आ रहा हूं जी, सवाल मेरा ये है, पहले ही कहा था, ये नहीं कि आज चेताया, पहले ही कहा था कि हमें आतंकियों को पकड़ने में उनकी गोली से हमारे जवान मारे जाते हैं, हमारे जवानों को की शहादत में ढाल न बने, जब शहादत हो जाती है इसलिए कि वो ढाल बन जाते हैं, वो आतंकियों के मददगार हैं, इसलिए आज वहां पर गोली चलानी पड़ी है। एक संदेश साफ है कि अगर कोई आतंकी की मदद करेगा उसको आतंकी जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, ओके, एक ओके। दो चार पांच का सवाल नहीं है, इस तरह की हरकत के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इंजीनियर राशिद कुछ दिखा रहे हैं, जिन्होंने राशिद कुछ दिखा रहे हैं, बचाने का। व्हाई यू प्रोटेस्ट इंजीनियर राशिद? यू आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए हैं हमारे सैनिकों पर? आपको प्रोटेस्ट है तो मुझे खुशी है उस प्रोटेस्ट की।
प्रोटेस्ट किस बात का आपका इंजीनियर राशिद? जब शाहनवाज हुसैन बोल रहे थे तो आपने आई प्रोटेस्ट की तख्ती ऊपर लगा दी थी। प्रोटेस्ट शाहनवाज हुसैन के खिलाफ है या फिर प्रोटेस्ट उन पत्थरबाजों के खिलाफ है जो देश के साथ, भारतवर्ष के साथ, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं? आतंकियों के मददगार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना चाहिए इनको। इंजीनियर राशिद, क्या हम धीरे बात कर सकते हैं? क्या हम धीरे बात कर सकते हैं? धीरे धीरे बात कर सकते हैं? ये हिंदुस्तान है तो पूरी खुल के बात कर सकते हैं आप। वो पता है हमें, आपका चेहरा आज हमने देखा श्रीनगर में, 3 जवान आज शहीद किए, पहले हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। 5 बहनों का एक सहारा 2 किलोमीटर एनकाउंटर साइट से दूर था, जाहिद उसका नाम है, उसको शहीद किया, और 5 बहनों का एक ही भाई था। फिर उसकी डेड बॉडी को जहांगीर चौक में कैसे क्या उसके साथ हुआ वो भी दुनिया को पता है। मेरे सैनिक के साथ बात सुनिए की हिम्मत कीजिए, हिम्मत तभी आपको बुलाया जनाब। आप चिल्ला रहे हैं, जो चिल्लाते हैं उसका आर्ग्यूमेंट वीक होता है। बात सुनिए, मेरी गुजारिश इतनी है, कल एनकाउंटर हुआ, आप ये चीज क्यों भूल जाते हैं? कल जब वो मिलिटेंट मारा गया रईस काचरू, उसके जनाजे में 3 लाख लोग थे। क्या वो 3 के 3 लाख लोग पत्थरबाज हैं? क्या सारे कश्मीर के लोग पत्थरबाज हैं? पत्थरबाजी इसलिए हो रही है कि 47 से लेकर आज तक आपने हमसे झूठ बोला है। गद्दार हम नहीं, गद्दार ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने हमें रायशुमारी जन्म का राइट अब तक नहीं दिया, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल नहीं किया, जिन्होंने दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। आज जिस तरह 3 सिविलियन मारे गए वो पत्थरबाज नहीं थे, आप मालूम कर लीजिए, आप पुलिस से किसी ऑफिसर से पूछ लीजिए। खुदा के वास्ते हमें बदनाम मत कीजिए। कल मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूंगा, जो आज का 19 साल का जवान मारा गया वो एनकाउंटर साइट से 2 किलोमीटर दूर था, वहां कोई एनकाउंटर नहीं था, वहां पर उसको गोली मार दी गई। और जो जनरल बिपिन रावत साहब ने पहले ही कहा कि आप लगता है कि सारा हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ हालत ही जंग में है, हम शाहनवाज भाई से इतनी गुजारिश करेंगे, बहुत हो चुका है, आप खुदा के वास्ते मारा आप पाकिस्तान के साथ बात कीजिए, कश्मीरियों के साथ बात कीजिए, आप कश्मीर का मुद्दा हल कीजिए। जो शाहनवाज भाई सुन लीजिए, शाहनवाज भाई हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, लेकिन आपने बोला 20 सेकंड और कांग्रेस ही तो असली जिम्मेदार है। ये आर्मी चीफ ने पहले बोला, बोल के कार्रवाई हुई है। अगर आप बीच में क्यों आते हैं, आप क्यों नहीं समझाते उन बच्चों को कि आतंकी के खिलाफ जो आर्मी हल कीजिए, तो उन बच्चों को नहीं आना चाहिए। आप मसला हल कीजिए ना, अगर आप मुद्दा हल कीजिए, एक तरफ इलेक्शन की आर्मी की बजा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को मार रहे हैं, कश्मीरियों का खून पानी से बता रहे हैं, हमारे भी जवान शहीद हो रहे हैं, कश्मीर है क्या? उनकी भी बहुत बड़ी फैमिली उन पर डिपेंड है। नेहरू जी से पूछे जिसने वादा हमारे साथ राजकुमारी का किया, आप राजकुमारी से डरते क्यों हैं? आतंकियों का साथ किसी को नहीं देना चाहिए। शाहनवाज भाई राजकुमारी करवा दीजिए, आतंकी सभी बैठ जाएंगे। ऐसे लगता है जैसे आपकी आर्मी यहाँ पर फूल बरसा रही है, और हम इधर से पाकिस्तान के पास आता है जो भी वहाँ भी जो बात सुनिए, राजकुमारी नहीं होगी, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह सकते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है हिंदुस्तान में रहने में? हमने देखा कैसे यूपी में रहते हैं, आपसे बड़ी आबादी है यूपी में, बिहार में, आंध्र में, दिल्ली में, वो योगी आदित्यनाथ जी उनको रह रहे हैं, और की पार्टी के जवान भी मुस्लिम रहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के मुसलमान के ठेकेदार बने होने वाली ये दिमाग से निकाल दीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार मत बनिए, नहीं होगी, आपने उनको जलील करके रख दिया, वो हिंदुस्तान में 3रे दर्जे के शहरी की तरह रह रहे हैं। ये मोदी जी ने मुसलमानों को खुद की इज्जत है, गिलगित बल्तिस्तान में मुसलमानों को इज्जत नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं मुसलमान, तो फिर राजनीति से बन सकता है, राजशुमारी कीजिए, आज लोग आपके साथ बोल रहे हैं, देखिए मुझे देखिए सबसे बड़ा जमहूरी देश मानते हैं, अगर हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मैं देख लेता हूँ, मैं ब्रेक के बाद मीम अफजल साहब आपके पास आ रहा हूँ। राशिद साहब देखिए, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा, आपने बोला 20 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप 2 मिनट तक बोलते रहे, ये तरीका ठीक नहीं है। मीम अफजल साहब कुछ रिएक्ट कर रहे थे, उनकी आवाज भी आपने आने दी, मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूं और अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं, सीधा आऊंगा मैं मीम अफजल साहब के पास।
वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन, शबनम लोन, इंजीनियर राशिद, सुशील पंडित और मीम अफजल साहब है। अफजल साहब के पास मैं सीधा चलता हूं। लास्ट टाइम अफजल साहब आपके पास दो बार ही आया, लेकिन इंजीनियर राशिद साहब ने आपकी आवाज को आने नहीं दिया। क्या आपको लगता है, मेरा बहुत सीधा और सटीक सवाल है, क्या आपको लगता है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर अब विराम लगाना अनिवार्य हो गया है, हर हाल में कम वॉट में? देखिए, पहले तो मैं कहूंगा इंजीनियर राशिद साहब के जज्बात हैं, वो उसको एक्सप्रेस कर रहे थे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और इसलिए शिकायत नहीं है कि वहाँ वाकया हुआ है, वो ज़्यादा समझते हैं वहाँ क्या हालात हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बजाय इसके कि हम ये कहें, देखिए यही सेना थी जिसने सैलाब में ऐसा काम किया था कि कश्मीर का बच्चा बच्चा उसकी तारीफ कर रहा था, और आज उसी सेना से हमारे जवान जो हैं वहाँ के, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनसे भिड़ने का काम कर रहे हैं, आतंकवादी को रोकने के लिए या उसके खिलाफ जो कार्रवाई सेना कर रही थी। मुझे नहीं मालूम क्या हालात थे वहाँ पर, जो ये पहली बार मैंने देखा इस तरह से, पहले शायद कभी एक आध बार ही हुआ होगा, लेकिन ये कोई कॉमन वहाँ पर देखने में नहीं आया कि जब किसी आतंकवादियों को कहीं घेरा हो और वहाँ पर पब्लिक निकल के सामने आ गई हो, पत्थरबाजी शुरू कर दी हो, और उसके नतीजे में 3 लोग मारे भी गए। हमें तो खेद हर एक के मरने का होता है, हमारा नौजवान मारे जाते हैं। शाहनवाज सही कह रहे थे कि कोई भी मरे उसकी फैमिली मुतासर होती है। उन्होंने कहा कोई बच्चा है, उसके 5 बहनें हैं, सही है, ये बात हमदर्दी की हो सकती है, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे इस वक्त पर मैं माहौल को देखता हूँ ऐसा लगता है क्या हमें हमदर्दी नहीं है जो सैनिक को मारा जाता है? क्या हमें उस पत्थरबाज से हमदर्दी रखनी चाहिए जो हमारे सैनिक को मार रोक रहा है? मैं 100% मैंने तो पहले ही कहा, मैं तो 100% मैं कह रहा हूं आपको कि सैनिक हो, ये लोग हो, कोई भी मरता है, अफसोस होता है। और मैं सिर्फ ये कहता हूं, जिम्मेदार मैं वो आ रहा हूं, मैं जिम्मेदारी की भी बात कर रहा हूं। देखिए, सरकार जो वहां पर आज चल रही है, पीडीपी की सरकार है, जिसने हमेशा जो वहां के अलहदगी पसंद लोग हैं उनको पहले वो पार्टी हमेशा सपोर्ट करती थी, उसके बाद बीजेपी के साथ उनका जो गठबंधन हुआ वो बड़ा अननेचुरल अलाउंस है, और उसके नतीजे में उत्तर पूरे कश्मीर के अंदर एक रिजेंटमेंट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये रिजेंटमेंट तरह तरह से सामने जाहिर हो रहा है, पाकिस्तान भी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे भाइयों को इस बात समझ में नहीं आ रही है कि राशिद इंजीनियर कुछ कहना चाह रहे हैं। राशिद इंजीनियर ने उनको हमेशा तबाह करने का काम किया है। राशिद इंजीनियर, आज जो ये आज राशिद भाई की भी बात कहना चाहता हूँ। राशिद साहब पहले मेरी बात सुन लें, फिर उसके बाद आप भी बोलिएगा, जरूर मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। मैं आपके जज्बात समझता हूँ, आपकी सोच से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। देखिए, बहुत सारे सवालात कश्मीर में हैं और वो तवज्जे तलब भी हैं और उनका हाल भी निकलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का सहारा लेकर के भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और आप कश्मीरियों का चंद बच्चों को इस्तेमाल करके पूरा एक पूरी कौम के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए, हम दिल्ली में बैठे हैं, अभी शाहनवाज ने कहा कि 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वगैरह वगैरह। अरे भाई, आप तो हमारा पार्ट हो, यू आर अ पार्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। मैं तो आपको अपने जिस्म का एक हिस्सा समझता हूँ। आपको तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है, इस देश को तकलीफ होती है जब पूरे कश्मीर हमारा अटूट अंग, हम उसे मानते हैं और हम कहते हैं उसके ऊपर, ठीक है तारीखी कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन तारीख के साथ साथ इंजीनियर राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं, मुआहदा हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, इंजीनियर राशिद आगे चले गए हम लोग। अफजल साहब आप रुकिए एक मिनट, अफजल साहब आप इंजीनियर राशिद क्यों आप गद्दारों का साथ देते हैं? जी जी, आपको तो इसी लोकतंत्र की व्यवस्था ने इलेक्ट करा ना एमएलए, ये पाकिस्तान ने इलेक्ट करा आपको एमएलए, मेरी आप क्यों उन गद्दारों का साथ देते हैं जो पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाते हैं? और दूसरी बात, आप दो बातें कर लीजिए, उसके बाद पूरा जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि आपके साथ कोई वादा हुआ था रायशुमारी का, आपको याद है 1952 में बाकायदा वहां इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, आप लोगों ने 4-5 साल में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम पहले भाग में फर्स्ट आर्टिकल 1 में आपने कहा कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं, कभी टूटेंगे नहीं। ये वहां की अवाम ने
कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना के संविधान सभा। आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए सुशील पिंडे जी, आप जवाब सुनिए, आपकी बात मैंने सुन ली, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, उसके बाद आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, टर्न मेरी है, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए प्लीज। पहले मैं जो भीम अफजल साहब ने जो बातें की, पहले मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर लूं कि ये जो आपने कहा कि पीडीपी बीजेपी का गठबंधन है, लेट अस बी ऑनेस्ट, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। या जो शबनम जी ने कहा कि पॉलिटिक्स जो पीडीपी बीजेपी का गठबंधन है, हुक्मरान है, इससे इसका उससे कोई लेना देना नहीं। ये इशू 1947 से लेके चला आ रहा है, चाहे वहां पर कल अगर जिलानी साहब को भी आप चीफ मिनिस्टर बना दें, हालात तो भी वैसे रहेंगे जब तक आप मुद्दे हल नहीं करेंगे। फिर जो आपने सर यूपी के मुसलमानों की बात की, तो उसमें मैं ये अर्ज करूं, हम एक रिलीजियस लाइनों पर मसले का समाधान नहीं चाहते हैं, हम एक इसको एक पोलिटिकल इशू मानते हैं, क्रिमिनल इशू नहीं मानते हैं, रिलीजियस इशू नहीं मानते हैं। फिर जो सुशील पंडित जी ने बात की, आपका कहना बिल्कुल सही है, सुशील पंडित आप फिर गए गलत नहीं, बयानी गलत कर रहे हैं, पूरे कश्मीर में नारा लगता है आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बीच में आप मत भी, नहीं, आप नहीं, मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, आप मुझे कहने दीजिए, क्योंकि वो आप बात तो सुनिए, वो इसलिए होता है क्योंकि जब मरता है तो वहां का मुसलमान ही मरता है। सुशील पंडित जी पहले ही भाग के दिल्ली में रहते हैं, इनको क्या लाना देना, ये टीवी स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं, जो आपने उनके बल्ले में पांच सिविलियन मार रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, झूठ बोल रहे हैं आपको, शर्म आनी चाहिए दुनिया को, झूठ बोल रहे हैं, अहंसा के पुजारी किसने मारा, खून कौन मारे गए, जो आपने बंधामा में कौन मारे गए, जो बात आप संग्रामपुरा में कौन मारे गए, अगर यहाँ 200 एक मुसलमान नहीं मारा गया, गलत बात है, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया यार, 1,00,000 मार गया, आप इतने अंधे हैं, आपको दिखाई क्या बात कर रहे हैं, जी मैंने मना नहीं किया कि मुसलमान नहीं मारा गया, लेकिन आप सिर्फ कह रहे हैं कि मुसलमान मारे गए, कारोबार करना चाहते हैं आपने, पूरे के पूरे समुदाय को घाटी से बाहर निकाल दिया, अमन हो अमन की, आपने पूरे के पूरे हिंदू कम्युनिटी को घाटी से बाहर निकाला। मैं प्रेजेंट में लेके आना चाहता हूँ, डिबेट के अंदर इन पत्थरबाजों के पीछे कौन है, इन पत्थरबाजों के पीछे पाकिस्तानी है, जो बात भीम अफजल ने बोली, इन पत्थरबाजों के पीछे वो लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश के अंदर अमन और शांति रहे, इन पत्थरबाजों के पीछे वो लोग हैं, वो अलगाववादी है जो नहीं चाहते इस मुल्क में अमन चैन बना रहे। 1952 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, अरे आप 1952 को छोड़िए, 2017 में क्या हो रहा है उसकी बात करिए, जो होना था वो हो गया, कश्मीर भारत का हिस्सा और रहेगा, कश्मीर भारत का हिस्सा और रहेगा, आप रायशुमारी का सपना देख रहे हैं, देखना चाहते हैं तो देखते रहिए, आपको कश्मीर पसंद नहीं है तो असेंबली से आज ही रिजाइन करिए, चले जाइए, चले जाइए, आपको अगर कश्मीर में रायशुमारी करानी है तो ये मेरी धरती है, ये मेरी धरती है, आपकी धरती नहीं, अगर आप ये मानते तो जाके उनके साथ पत्थर मारिए और गोली खाइए, फिर समझ में आएगी, शबनम लोग अगर आपको पत्थरबाजों की पैरवी करनी है तो जाके उनके साथ खड़े होइए और गोली खाइए, सुशील पंडित जी बकवास बंद कीजिए, अपना भाषा की मर्यादा रखिए, कोई बकवास नहीं कर रहा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा न था न है, आज आपकी मानसिकता बल्तिस्तान तो ले, इंजीनियर राशिद आप बल्तिस्तान तो ले आओ, आप तो कहते हैं कि जो 80% लोग वोट डालते हैं, आप मेरे मुल्क को चैलेंज कर रहे हैं, कर लीजिए कश्मीर, आप यहाँ जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था कश्मीर तब भी एक स्वतंत्र देश था, आपको पता होना चाहिए, जब पाकिस्तान कहीं नहीं था कश्मीर तब भी था, पाकिस्तान जाएगा इस तरह के सोच के लोगों का
लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान खुद को कहते हैं क्या किया वो हिंदुस्तान मर चुका है, दुनिया गांधी का हिंदुस्तान था, मोहन भगवत और योगी आदित्यनाथ का हिंदुस्तान नहीं था, आज योगी आदित्यनाथ का हिंदुस्तान है, लेकर काशी महाराज का हिंदुस्तान का वजूद मिल जाएगा, मोदी का अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद से हिंदुस्तान है, आज कश्मीर ले लेंगे, ये कभी आपका हक पूरा नहीं होगा, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप रहेगा रहा और जानवाल भाई आपके ये ख्वाब पूरे होने वाले नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर ठीक है पाकिस्तान का वजूद मिल जाएगा, पाकिस्तान की मदद आप कर रहे हैं, जो पाकिस्तान आपको मदद कर रहा है उससे बलूचिस्तान जाएगा, आपका पाकिस्तान जाएगा, कुछ नहीं मतलब का वजूद मिट जाएगा, आपकी लड़ाई अपनी जगह, ये सोच रहे हैं कि वो कश्मीर को इंजीनियर से मत करेंगे, वो कभी नहीं कर सकते, इंजीनियर से काम लीजिए, पाकिस्तान से निपट लीजिए, हिंदुस्तान का हिस्सा हम चैलेंज कर रहे हैं क्या इंजीनियर से, ये कभी आपको कश्मीर के लोग मान कर चलिए, जो भाजपा ओके नहीं मत जो आपको मैंने कह रहा होने वाला है, हमजा साहब आपके पास है, आप इंजीनियर राशिद को आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैं जानना चाहता हूँ अकबर साहब, इंजीनियर राशिद को आप क्या बोलेंगे, वाले के साथ टीवी डिबेट में बैठने पर भी हमें एतराज है, इनको गिरफ्तार करिए, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है जम्मू कश्मीर में, ये शख्स यहाँ पर बैठकर कश्मीर को आजाद कराने की बात कर रहा है, आपको कह रहा है दिखाइए, वो चैलेंज कर रहा है, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें सख्त एतराज है, आपको कश्मीर की जमीन चाहिए वो दूसरी बात है, इसका मतलब आप मानते हैं कि आप राजनीति में मिलने इलेक्शन में मिलने से डरते हैं जीते और आज कह रहे हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ओके मीम साहब आपको रिजाइन करना चाहिए, इसका मतलब आपको डर है, रिजाइन करना चाहिए, हिंदुस्तान का हिस्सा तो पाकिस्तान से बात क्यों करते हो, आप चुनाव लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा, इंजीनियर राशिद को ऑडिट डाउन कर दीजिए, मीम अफजल देखिए मेरी 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 एक बात समझ में नहीं आती, इतने जोर जोर से बहस करना है, मैं तो सुना ही नहीं आप क्या बात कर रहे थे, मेरा सिर्फ कहना है कि जो बात आप कहना चाहते हैं वो सुकून के साथ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप भड़काने वाली बात करेंगे तो जाहिर है यही सीन होगा दोबारा, कश्मीर के अंदर हालात खराब हैं, हम लोग बजाय इसके कि इस पर सीरियसली बहस करें, हम ये समझते हैं कि हम आमने सामने जो बैठे हुए हैं नहीं, 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 सर तस्वीरें बोल रही है अफजल साहब, कश्मीर का फैसला खुद कर रही है, बोल रही है इंजीनियर राशिद, इंजीनियर राशिद से रिएक्शन मांगा, उन्होंने बोला आप किस कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर तो पहले ही आपका नहीं था जो आपका होगा, आपको लगता नहीं है इंजीनियर राशिद गलत बयानबाजी कर रहे हैं और ओपनली थ्रेटन कर रहे हैं हमारे मुल्क को, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ आपके पास जवाब लेने के लिए, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आता हूँ, और ये डिबेट खड़ी है और इंजीनियर राशिद जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वेलकम बैक, ब्रेक से पहले हमारी डिबेट में जो कुछ हुआ वो बहुत निंदनीय है, जो बात इंजीनियर राशिद ने बोली उसकी घनघोर निंदा नहीं, उसका बायकॉट होना चाहिए, और मेरे साथ इस डिबेट के अंदर शाहनवाज हुसैन है, मीम अफजल है, शबनम लोन है, इंजीनियर राशिद है और सुशील पंडित है। मैं शाहनवाज हुसैन आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपके पास भी आऊंगा सुशील पंडित, मुझे पता है तमाम लोगों की उंगलियां खड़ी हो रही है, लेकिन मीम अफजल साहब के पास मेरा जाना जरूरी है। अफजल साहब 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कुछ इंजीनियर राशिद ने बोला क्या उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए इस डिबेट के अंदर, खुलेआम हमारी सेना को चैलेंज, हमारी सरकार को चैलेंज और सिस्टम को चैलेंज। देखिए मैं तुम्हारी सेना के कारनामे, ये काम तो इंजीनियर राशिद आज से थोड़ी कर रहे हैं, कश्मीरियों को मारा और पेट नहीं भरा आपका, जो लोग मारने में मजा आता है, जो लोग कश्मीर को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, खून की होली खेल रहे हो हमारे साथ, वो इस तरह के लोगों को पहले से जानते हैं। देखिए राशिद साहब के लोगों को आप अगर कुछ ऐसे जज्बाती जुमले बोलेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, मेरे ख्याल है इस तरह लड़ाई को जो आप कहते, देखिए आप एक तरफ तो कहते हैं कि आपको आजादी चाहिए, सर, हाल क्यों नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, बहुत थोड़े लोग आजादी चाहिए, पहले तो यही तय करना चाहिए, वादे पूरे कीजिए जो आपने 47 से आज तक किए हैं, हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं हैं। ओके ओके इंजीनियर राशिद, आई वांट टू टेक यू ऑन नाउ, इंजीनियर राशिद मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, और ध्यान से सुनिएगा इंजीनियर राशिद, जब आप पानी के अंदर डूबे हुए थे ना,
पाकिस्तान से आपको कोई बचाने नहीं आया था, हमारे सैनिक भारत के सैनिक हिंदुस्तान के सैनिक आपको बचाने आए थे। और पिछले 1947 से 2017 तक कई लाख करोड़ रुपए कश्मीर में खर्च हो चुके हैं और हमें खुशी है वो पैसा। इंजीनियर राशिद पाकिस्तान ने आपको एड नहीं दी है, ये एड आपको हिंदुस्तान ने दी है। और दूसरी बात जब वहाँ बमबारी होती है ना, जब वहाँ गोलीबारी होती है, तब वहाँ बीएसएफ के, तब वहाँ इंडियन आर्मी के जवान सामने खड़े होते हैं, पाकिस्तान के लोग नहीं खड़े होते सामने। किस हिंदुस्तान से आप अलग हैं? खून की होली कौन खेल रहा है वहां पर? हम वही कहते हैं की होली वो आज ही आपने चार पांच मार दिए वहां पर, आम लोगों को मारते हैं आज ही चार पांच मार दिए खून की होली खेल रहे हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं करालकुंड सुपर नाकामा में। आप कहते हैं आप पिस जाते हैं, आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की जो मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं और आप खुद मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं आप कह रहे कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ना कभी होगा, आप कौन होते हैं कश्मीर को अलग करने वाले? बिल्कुल नहीं, हम कहते हैं आप हमारे साथ वादे पूरा कीजिए, जो ये कहिए ना वादे पूरे करिए भाई, आप लाइन माफी मांगिए अपने बयान पर, जो आपने पहले बयान से बात जो पहले कहा आपने, माफी मांगिए अपने बयान पर, से बात मैं आपको बता रहा हूँ ट्विटर पर और फेसबुक के ऊपर आपने खुद को दिल्ली में दफ्तर क्यों खोल दिया? आपने डिमांड हो रही है कि आप डिबेंचर उठा दिए जाए यहां पर, ओ मेरी आप फटाफट कर लीजिए, मैं तैयार हूं, मैं खुद ही जाता हूं इंजीनियर राशिद, और आपको नहीं लगता इंजीनियर राशिद आप माफी मांगते हैं अपने बयान पर का दफ्तर क्यों खोल दिया होना चाहिए, आप माफी मांगते हैं इस बयान पर किस बात पर? कि कश्मीर अलग होना चाहिए, मैंने कहा आप राजनीति कीजिए, माफी मांगिए इस बयान के लोग, अगर कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ बैठना चाहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं, I will love to be with people of India. लेकिन आप कश्मीर के लोग चाहिए, लेकिन आपको कश्मीर की धरती चाहिए, आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, आपने कश्मीर के लोगों को प्यार कश्मीर की दिया अगर जमीन चाहिए होती ना, आपने कश्मीर के लोगों को प्यार दिया ही नहीं, जमीन के लिए लड़ाई होती ना, हमारा अपना वजीर आजम था, हमारी अटॉर्नी किसने छीनी, कश्मीर की जनता का दिल चाहिए वो किसने छीन लिया, कश्मीर की जनता का दिल चाहिए, हमारा प्रेसिडेंट था वो किसने छीन लिया, जमीन की लड़ाई नहीं, हमारी अटॉर्नी किसने छीन ली? आपको शायद आपने पता नहीं है, आपको शायद आपने पता नहीं है, आपने 3 पे हमारा लेला किया था, जम्मू और कश्मीर गेट्स 10% ऑफ सेंट्रल फंड्स विद ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन, 1% पॉपुलेशन है और केंद्रीय सरकार आपको 10% का फंड देती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। लेकिन अगर आतंकी कार्रवाई के बीच में आप अगर कश्मीर के बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो उनको समझाइए कि आर्मी जब टेररिस्ट पर कार्रवाई करे तो बीच में ढाल न बने, उसके कवच और कुंडन न बने, अगर आतंकी के मदद के लिए कोई आएगा तो गोली चलेगी, आप उनको समझाइए, आप उनको भड़काइए नहीं, आप लोग नहीं मारे जाते हैं, आप लोग भड़का कर बच्चों को मरवा देते हैं, कश्मीर के जवानों को मेहरबाना बन दीजिए, कोई नहीं बचा, कश्मीर के लोगों को आज हरे पढ़ा लिखा उनको ढाल मत बनाइए, कोई छोटा छोटा नहीं है ढाल बनाते हैं, और आपने बाबा जी को डाला दिया खिलौने दिखा के और उससे सरकार बना ली, आतंकियों की कोई मदद करेगा तो आर्मी उसका जवाब गोली से देगी, हमारे जवान मारे जाएंगे तो हमने अपने मेरी गुजारिश लीजिए, लेकिन आप नेते लोगों को नहीं मार सकते, आप नेते लोगों को नहीं मार सकते, यहाँ कोई मरना नहीं चाहता, मुकाबला होगा हमें उन माओ से भी हमदर्दी है जिनके बच्चे है और जिनकी लाश करते हैं, कहिए हमें हर माँ से इंजीनियर बच्चों को बोलिए, फौजी की माँ हो इंजीनियर राशिद की माँ हो, देखिए इंजीनियर राशिद की गोदे खाली ना हो, लाशें ना पूछे, आप अपनी राजनीति कश्मीर को लेकर दिल्ली के सिंहासन की राजनीति, आपको कश्मीर अलीगढ़ में याद आता है, आपको कश्मीर की गुजारिश की मार रहा है भाई, चाहे फौजी बने सिविलियन बने मिलिटेंट बने कोई भी बने, हम लाशों से खुश नहीं होते, हमने बहुत ज्यादा लाशें देखी हैं, सबसे सुशील पंडित राशिद आप ऑडियो डाउन करवा रहे हैं, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते, वजूद मिट जाएगा, देखिए नॉन स्टॉप आप नहीं बोल सकते, पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा, शाहनवाज जी, ओके सुशील पंडित, आमिर जी कश्मीर की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, ओके कश्मीर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि जो लोग देश के संविधान पर शपथ खाकर
चुनाव लड़कर असेंबलियों में घुसते हैं, पार्लियामेंट में घुसते हैं, बंद कर लीजिए, वो लोग पीठ में छुरा घूमते हैं, वो लोग कश्मीर और भारत की पीठ में छुरा घूमते हैं, यही लोग, यही लोग, ये लोग और भी ज्यादा खतरनाक है, ये उन लोगों से ज्यादा खतरनाक है जो बंदूक उठाकर आर्मी के साथ लड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने शपथ खाई है और ये झूठ बोलते हैं, ये झूठी शपथ खाते हैं, ये हमारे संविधान पर झूठा हलफ उठाते हैं और उसके बाद जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये है धोखा इनका। ये उससे भी ज्यादा धोखेबाज हैं जो हुर्रियत है और जो हिजबुल है, क्योंकि हिजबुल सामने बंदूक लेकर के मुकाबला करती है। हुर्रियत अपना ख्याल भी हलफ उठाई थी। क्या जवाहरलाल नेहरू फिर झूठे थे? जी नहीं, हिंदुस्तान के संविधान की उन्होंने आपको संविधान सभा दी, उन्होंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी, आपने अपना संविधान बनाया 1956 में, आपने अपना आईन बनाया, कश्मीर के पास अपना आईन है, हमारी असेंबली आप गलत कह रहे हैं। हमने देख ली जब आपने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया 8 अगस्त 1952 को, आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ध्वजा उड़ाई जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया। कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब सदन खत्म किया। इंजीनियर राशिद, आप खुशकिस्मत हैं कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अगर पाकिस्तान से इनको गिरफ्तार आपकी सरकार की केंद्र में भी बैठी है और राज्य में भी बैठी है, क्या मजबूरी है महबूबा मुफ्ती सरकार की और केंद्र में बैठी हुई सरकार की जो इंजीनियर राशिद गिरफ्तार नहीं होते? क्या मजबूरी है जो अलगाववादियों के फंड नहीं रोके जाते? 100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च होते हैं, क्यों नहीं रोका जाता इन तमाम चीजों? और हिंदुस्तान अगर जिस तरह बैठ के बातें करना बहुत आसान है, कहीं बर्दाश्त नहीं है। ये मुल्क कभी भी कश्मीर को छोड़ेगा नहीं। और जो कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान लोग रह रहे हैं वो खुशकिस्मत है कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ओके, मीमा साहब, पाकिस्तान में जनरल आज इनकी हालत क्या होती है? कश्मीर के आवाम से अब हर व्यक्ति सामने लाना चाहता हूँ। आप खुश नसीब है कि हिंदुस्तान लगा? ओके, देखिए मैं आपको बात कहूंगा, नसीब है कि हिंदुस्तान के अमीश जी मैं इंजीनियर राशिद साहब से पूछना चाहता हूँ। कश्मीर में बहुत देखा। अरे भाई आप, अरे आपको मुझे लगता है कभी कभार ही टीवी पे आने का मौका मिलता है, इसलिए आप सारी बातें यही करना चाहते हैं, पूरी आजादी की लड़ाई यही लड़ना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं इंजीनियर साहब, आज जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन दी कि 2 किलोमीटर दूर पे बच्चा मारा गया, आपने ये भी इन्फॉर्मेशन दी जिससे जाहिर होता है कि आप वहीं आसपास कहीं मौजूद थे, या आपको अच्छी तरह, मैं पूछना चाहता हूं जब कभी लड़के पथराव करते हैं फौज के साथ, तो ये आपके जितने अलहदगी पसंद लीडर्स हैं वो उनकी जान बचाने के लिए बाहर क्यों नहीं आते, उनको मना क्यों नहीं करते? क्या आप उनके साथ खड़े हुए थे? आपने उन नौजवानों को मना किया कि आप पता क्यों नहीं और फौज को किसी बच्चों को भेजा? आप कहीं नौजवानों को मरवाते हो सॉरी ये सवाल, और उसके बाद उसके ऊपर पॉलिटिक्स करते हो आप लोग और सियासतदानों को बदनाम करने का काम करते हो। मैं पूछ रहा हूँ कश्मीर का ये अलहदगी पसंद लोग कभी आज तक पत्थरबाजी करने में इनके आगे खड़े हुए नजर आए, कभी रोकते हुए नजर आए किसी को? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कश्मीरियों को, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कितने पत्थरबाजों को इंजीनियर राशिद आपने रोका अभी तक? आप तो उल्टा भड़काने का काम करते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दम है तो गिरफ्तार कर ले ऐसे लोगों को, ये बहुत साफ तौर पर इस समय बात निकल के सामने आ रही है। आज का निष्कर्ष इतना ही है, देश देश होता है और देश के ऊपर कुछ नहीं होता। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब हम तो पूछेंगे 3 तलाक पर सुमित के साथ।